मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यकीन पता आप लोगों को फोर्थ पेपर जीएल फोर्थ सेमेस्टर शैक्षिक प्रबंधन वाला जो पेपर है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे आगे हम देखेंगे। हम लोगों ने जो सिलेबस जहाँ तक पढ़ा था वहाँ को सब पीछे छोड़ते हैं, आगे शुरू करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। इसमें से हम लोग लर्निंग कॉर्नर की तरफ चलेंगे। लर्निंग कॉर्नर क्या है? कक्षा कक्ष प्रबंधन बता दिया था अपनी स्लाइड में, हम देखते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन के बाद हमारा अगला टॉपिक है वह लर्निंग कॉर्नर। देखते हैं लर्निंग कॉर्नर क्या है। हमने बेसिक विद्यालयों में जब कभी भी हम देखते हैं जाते हैं तो देखते हैं कि जो कक्षा कक्ष होते हैं, जो क्लासरूम होते हैं उनके अंदर जो कॉर्नर्स होते हैं उन पर कुछ TLM का निर्माण किया जाता है। उस निर्माण को ही क्या कहते हैं, लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। लर्निंग कॉर्नर को या सीखने का कोना कहते हैं हिंदी में, सीखने के कोने को इसमें लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। लर्निंग का अर्थ होता है सीखना, कॉर्नर का अर्थ होता है कोना, अर्थात सीखने का कोना। अर्थात कक्षा कक्ष में वह विशेष स्थान जहाँ पर सीखने के लिए कुछ शिक्षण सामग्री होती है, कुछ TLM होता है, उसका निर्माण किया जाता है ताकि छात्र आसानी से जो टॉपिक होते हैं, कठिन विषय होते हैं, उनको आसानी सीख सकें। यहाँ पर इन कॉर्नर के अंदर जो TLM होता है, जो शिक्षा सामग्री होती है, उसको व्यवस्थित किया जाता है, उसको एक क्रम दिया जाता है ताकि छात्र आसानी से, सरलता से या प्रभावपूर्ण तरीके से सीख सकें। अब इसका देखते हैं ये क्लियर होता है लर्निंग कॉर्नर है क्या है, बता देते हैं। लर्निंग कॉर्नर को हिंदी में सीखने का कोना कहते हैं। अर्थात कक्षा कक्ष में वह स्थान जहाँ पर या वह विशेष स्थान जिन पर शिक्षण अधिगम सामग्री TLM का निर्माण किया जाता है ताकि उस सामग्री को व्यवस्थित रूप से क्रमानुसार उसको रखा जा सके और छात्र जो कठिन विषय हैं, कठिन प्रकरण हैं, उनको सरलतापूर्वक आसानी पूर्वक सीख सकें। तो ये लर्निंग कॉर्नर का अर्थ हुआ। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं इसका महत्व तो क्या है, लर्निंग कॉर्नर का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या वजह है जो इसका निर्माण किया गया। शिक्षा में ये एक प्रकार का नवाचार है, इनोवेशंस है या नवीनतम प्रयोग है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है, कक्षा कक्ष शिक्षण को आकर्षक बनाता है, छात्रों की रुचि के अंतर बनाता है ताकि छात्र विषय सामग्री को जो भी उनके लिए अधिगम करने में कठिनाई होती है उसको आसानी से सीख सकें। इसको हम देखते हैं पहला है शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाना। टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, इसको प्रभावशाली बनाने के लिए लर्निंग कॉर्नर का इस्तेमाल किया जाता है। पहला इसका महत्व साबित होता है, पहले महत्व होता है। दूसरा है नीरस विषयों को रुचिपूर्ण बनाना, अर्थात जो भी टफ विषय होते हैं या कठिन विषय होते हैं उनको आसान बनाया जाता है लर्निंग कॉर्नर के द्वारा। तीसरा है उत्तम शैक्षिक वातावरण बनाना, अर्थात जब कभी भी या इससे पहले जब लर्निंग कॉर्नर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, वैसे समय में जो कक्षा कक्ष होते थे बहुत आकर्षक नहीं होते थे, वैसी स्थिति में छात्रों को शिक्षा के लिए आकर्षित किया जाए, शिक्षा के लिए जो अधिगम का वातावरण है उसको और ज़्यादा क्रिएटिव बनाया जाए, उसको और ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए, छात्रों को सुमन लगे। इसलिए क्या किया गया, कक्षा कक्ष को क्या किया गया, शैक्षिक वातावरण प्रदान किया गया। तीसरा है चौथा है TLM को व्यवस्थित करना। जो भी हमारी लर्निंग मटेरियल्स हैं, जो भी हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री है उसको क्या करते हैं, लर्निंग कॉर्नर में व्यवस्थित करते हैं। अगला है कठिन प्रकरणों को आसान बनाना। जो भी कठिन टॉपिक होते हैं, जो भी कठिन सब्जेक्ट के साथ साथ जो टॉपिक हैं उनको किस तरीके से हम प्रभावपूर्ण बना सकें, आसान बना सकें, छात्रों की रुचि के अनुसार बना सकें, उनकी योग्यता के अनुसार बना सकें, इसलिए क्या किया जाता है, उन टॉपिकों को आसान बनाया जाता है और उन टॉपिकों को TLM के माध्यम से लर्निंग कॉर्नर में शामिल कर लिया जाता है। अगला है शैक्षिक नवाचारों को शामिल करना। जो भी इनोवेशंस दुनिया में हो रहे हैं, शैक्षिक जगत में हो रहे हैं और इसमें किसी भी देश को तत्काल उनकी जरूरत है, उन नवाचारों को लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से उसमें शामिल कर लिया जाता है। अगला है शिक्षक छात्रों को सहयोग लेना, अर्थात शिक्षक व छात्रों में परस्पर संबंध बहुत अच्छे बने रहें, इसलिए लर्निंग कॉर्नर बनाते समय या लर्निंग कॉर्नर का निर्माण करते समय दोनों का सक्रिय सहयोग लिया जाता है। ये लर्निंग कॉर्नर का कुछ विशेष बातें थी, कुछ महत्व थे जो मैंने बताई। आगे हम लोग देखते हैं पुस्तकालय प्रबंधन।
इसको आपको स्किप कर देना है या इसको डम कर लें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। बताते हैं इसको, अगला है पुस्तकालय प्रबंधन। पुस्तकालय प्रबंधन इसका अर्थ देखते हैं। पहले तो पुस्तकालय है क्या, अर्थात पुस्तकालय को शिक्षा में या विद्यालय व्यवस्था में क्यों शामिल किया गया, इसको समझ लेते हैं। पुस्तकालय प्रबंधन क्यों किया जाना चाहिए, सबसे बड़ी बात या सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी पुस्तकें होती हैं, जितना भी साहित्य होता है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे गणितीय साहित्य हो या कोई भाषा का साहित्य हो, कोई भी साहित्य हो, वो जो बौद्धिक जगत, जो भी बौद्धिक प्राणी हैं, उनके मस्तिष्क का भोजन होता है। अर्थात सबसे ज़्यादा बौद्धिक ताकत कहीं से मिलती है तो वो पुस्तकालय से मिलती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को बौद्धिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, उसकी बौद्धिक आवश्यकताओं को शांत करने के लिए, ज्ञान मीमांसा को की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। इसलिए शिक्षा प्रबंधकों को शिक्षा से संबंधित जो भी मैनेजिंग बॉडी है उसको क्या करना चाहिए, बेहतर पुस्तकालय का प्रबंध करना जरूरी है। अब मैंने पुस्तकालय प्रबंधन की बात की, पुस्तकालय बताया मैंने पुस्तकालय क्या है, ये विभिन्न विषयों के विभिन्न राइटरों की अलग अलग विषय सामग्री से संबंधित पुस्तकें होती हैं जो छात्रों की विषयगत इच्छाओं को, विषयगत जो उनकी वांछाएं होती हैं उनको शांत करती हैं। और इसके अतिरिक्त भी तमाम तरीके के बौद्धिक इच्छाएँ होती हैं, बौद्धिक दृष्टि होती हैं, उनको भी वो शांत करती हैं। अब इसका महत्व समझ लेते हैं, इसका महत्व है क्या। पहला इसका उद्देश्य समझ लेते हैं, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य के उद्देश्य, ठीक है। पहला उद्देश्य देख लेते हैं हम लोग। पहला उद्देश्य है छात्रों में स्व अध्ययन की आदत विकसित करना, आदत विकसित करना। क्या बात को समझा दूंगा, पहला छात्रों में स्व अध्ययन की आदत विकसित करना, दूसरा छात्रों में उत्तम साहित्य के प्रति, छात्रों में उत्तम साहित्य के प्रति उत्तम साहित्य के प्रति लगाव पैदा करना। ठीक है। तीसरा है छात्रों में शब्दकोश, संदर्भ पुस्तकों इत्यादि की जानकारी देना। अगला है छात्रों
छात्रों के लिए विभिन्न साहित्य को क्रमानुसार व्यवस्थित करना। नेक्स्ट है छात्रों में आपसी सहयोग की भावना विकसित करना लिखते चले हम लोग विकसित करना। नेक्स्ट छात्रों को अपने छात्रों में अपने दायित्व की भावना को जगाना। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं छात्रों में अपने दायित्व की भावना जगाना। नेक्स्ट है छठवां है बौद्धिक छात्रों द्वारा अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को करना। ठीक है, ये कुछ बातें थी, हम देख लेते हैं एक बार, देखेंगे हम लोग इसमें उद्देश्य क्या था। पहला था छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना, अर्थात छात्रों में इस प्रकार की आदतें विकसित की जाए जो ताकि छात्र स्वयं से ही पढ़ना सीख जाएं, स्वयं से ही अधिगम करना सीख जाए। अर्थात ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति उतना ही अच्छा होता है, उतना ही अच्छा शिक्षक बन सकता है, उतना ही अच्छा समाज को अपना बहुमूल्य योगदान दे सकता है जितना वो अच्छा लर्नर होता है या अध्ययन करने वाला होता है। इसलिए प्रत्येक छात्र में स्वयं अध्ययन की आदत को विकसित करना उसका उद्देश्य होता है। दूसरा है छात्रों में उत्तम साहित्य के प्रति लगाव पैदा करना। मैंने बताया था अच्छा साहित्य, उत्तम साहित्य व्यक्ति के मस्तिष्क का भोजन होता है। इसलिए उत्तम साहित्य के प्रति लगाव पैदा करना का उद्देश्य है। तीसरा है छात्रों में सबको संबंधित पुस्तकों इत्यादि की जानकारी देना, क्योंकि तमाम तरीके के सबकोश हैं, साहित्य संदर्भित जो पुस्तकें हैं इससे संबंधित और भी मटेरियल्स हैं उसकी जानकारी देना पुस्तकालय प्रबंधन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है छात्रों के लिए विभिन्न साहित्य को प्रमाण का विकसित करना। छात्र की जैसी रुचि है, जैसी उसकी अभिरुचि है, जैसी उसकी आवश्यकता है, जैसी उसकी उपयोगिता है, उसके अनुसार साहित्य को व्यवस्थित करना इसका उद्देश्य है, इसका प्रबंधन का उद्देश्य है। अगला है छात्रों में आपसी सहयोग की भावना विकसित करना। जब छात्र पुस्तकालय के अंदर एक साथ बैठते हैं, एक साथ स्वयं स्टडी करते हैं, तो उनके अंदर आपस में सहयोग की भावना भी विकसित होती है, जो कि पुस्तकालय प्रबंधन का उद्देश्य है। अगला है छात्रों में अपने दायित्व की भावना को जगाना। जब भी छात्र पुस्तकालय में जाएंगे और नियमित रूप से एक अनुशासन के रूप में जब कभी सदैव वो अध्ययन करेंगे तो उनके अंदर अपने जो भी उनका लाइबिलिटीज है, जो भी उनके कॉन्ट्रीब्यूटीज है, उसके प्रति वो सचेत रहेंगे। नेक्स्ट है छात्रों द्वारा अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को शांत करना। अर्थात छात्र तमाम विषय होते हैं जिन पर उनको जानने की इच्छा होती है, तमाम विषय होते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है, एक पुस्तकालय ही वो जरिया है, पुस्तकालय
संस्थान यही स्थान है जो छात्रों की तमाम बौद्धिक जिज्ञासाओं को शांत करता है। ये विद्यालय प्रबंधन निर्देश थे जो मैंने बताए। आगे देखते हैं, इस स्लाइड में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आज इस स्लाइड में इतना ही। थैंक यू।